Welcome again, students, and today in this video we will discuss the MCQs of chapter 15. Chapter 15 is our environment, which is very easy chapter for class 10th. So now let's start. First question is, which of the following is a biodegradable substance? So biodegradable substance kaun se hote hain jinko decomposers jo hai wo decompose kar dete hain. So first is glass, plants, plastic and polythene. What will be the right answer? Glass, plastic and polythene, these are known biodegradable substance, and plastic of the following is a known biodegradable substance. So ab known biodegradable substance kaun se honge jinko decomposers jo hai wo decompose nahi kar sakte, theek hai? Paper hai, plastic hai, plants hai ya cotton hai. To isme dekhiye kya hoga answer, inko decompose kiya ja sakta hai, but plastic is a known biodegradable substance. Question number 3 is, in an ecosystem herbivores represent. So herbivores jo hai wo kya hote hain? Herbivores, they depend on the producers. ठीक, तो यानी फर्स्ट जो है क्या होंगे, प्रोड्यूसर्स होंगे, देन हर्बीवोर्स को क्या कहेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स कह सकते हैं. तो व्हाट विल बी द आंसर, प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और डिकम्पोजर आपको ऑप्शन गिवन है. सो प्राइमरी कंज्यूमर्स विल बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 इज, ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम रिप्रेजेंट. ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स, देन प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, देन डिकम्पोजर्स. जो ये लेवल है दैट इज नोन एज ट्रॉपिक लेवल. So tropic level in an ecosystem represent oxygen level, water level, energy level, salt level. So क्या represent करते हैं, energy level. Energy level will be the right answer. तो आपने किया भी हुआ होगा इसमें 10% law के according जो है energy transfer होती है from one tropic level to another tropic level. Question number 5 is, which of the following is a logical sequence of food chain. तो food chain में देखिए क्या होता है, फूड चेन प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर देन डिकम्पोजर है, या प्रोड्यूसर टू डिकम्पोजर्स देन कंज्यूमर्स, या कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर देन डिकम्पोजर. फोर्थ वन इज डिकम्पोजर टू प्रोड्यूसर देन कंज्यूमर. व्हाट विल बी द राइट आंसर, वेरी इजी क्वेश्चन. तो फर्स्ट क्या होते हैं फूड चेन में, फर्स्ट विल बी प्रोड्यूसर देन कंज्यूमर देन डिकम्पोजर. ठीक है, फर्स्ट विल बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 6 इज, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच डू नॉट फॉर्म इकोसिस्टम. तो कौन से जो है इकोसिस्टम में नहीं आते, बायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, प्लास्टिक बैग्स, ए बायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, या ऑल ऑफ द अबव. व्हाट विल बी द राइट आंसर, प्लास्टिक बैग्स विल बी द राइट आंसर. ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स जो है वो इकोसिस्टम का पार्ट है, एंड ऑल्सो ए बायोटिक कंपोनेंट, एंड यू ऑल नो अबाउट बायोटिक कंपोनेंट्स एंड ए बायोटिक कंपोनेंट्स, और यू कैन से कॉन्स्टिट्यूएंट. क्वेश्चन नंबर 7 इज, द फंक्शनल यूनिट ऑफ एनवायरमेंट इज. तो फंक्शनल यूनिट कौन सी होगी, इकोसिस्टम, नाइट्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन. सो व्हाट विल बी द आंसर, फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, इकोसिस्टम इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ एनवायरमेंट. क्वेश्चन नंबर 8 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोड्यूसर्स. व्हाट विल बी द आंसर, प्रोड्यूसर्स, फर्स्ट इज प्लास्टिक पैन्स, प्लास्टिक कैंस, पॉलिथीन और ग्रीन प्लांट्स. वेरी इजी क्वेश्चन, व्हाट विल बी द प्रोड्यूसर्स, green plants will be the producers. Next question number 9 is, which of the following is an example of herbivores. theek hai, herbivores who depends on the producers means plants, and what are the herbivores, herbivores are the primary consumers you can say, who depends on the producers. to wo kya honge, cow, shark, lion or tiger. so what will be the answer, cow will be the right answer. Question number 10 is, which of the following is not an example of abiotic factor. सो एबायोटिक फैक्टर्स में कौन सा नहीं होगा, लाइट, प्लांट्स, हीट, टेम्परेचर. सो व्हाट विल बी द आंसर, सेकंड, प्लांट विल बी द राइट आंसर, क्योंकि लाइट, हीट, टेम्परेचर, दीज आर द एबायोटिक फैक्टर, बट प्लांट्स दे आर द बायोटिक फैक्टर्स फॉर इकोसिस्टम. क्वेश्चन नंबर 11 इज, डैश इज नॉट ए बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट. सो पेपर, कॉटन क्लॉथ, कॉटन या डीडीटी. सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, डीडीटी विल बी a non-biodegradable pollutant. Question number 12 is, which of the following is a terrestrial ecosystem, a natural forest, a lake, a pond, a aquarium. Simple question, first will be the right answer, natural forest. Dash is an omnivore animal, you all know about omnivore, theek hai, lion, hawk, jackal ya man. What will be the right answer, fourth, man will be the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज, द फॉर्मूला ऑफ ओजोन. ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3, O2, O4 या O6. सबको पता है, फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, O3 इज द फॉर्मूला फॉर ओजोन. क्वेश्चन नंबर 15 इज, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन ओजोन. नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, ठीक है, फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, 3. क्वेश्चन नंबर 16 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रॉफ. ठीक है, ऑटोट्रॉफ विच कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय इट्सेल्फ, लायन, इंसेक्ट्स, ट्री और मशरूम. सो थर्ड विल बी द राइट आंसर, ट्री.
इन ए गार्डन इकोसिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोड्यूसर्स. गार्डन इकोसिस्टम है आपको गिवन है, उसमें प्रोड्यूसर्स कौन होंगे. वॉट विल बी द राइट आंसर? इंसेक्ट्स, स्नेक्स, ग्रासेस और रैबिट. वॉट विल बी द राइट आंसर हेयर? ग्रासेस, दे आर द प्रोड्यूसर्स इन केस ऑफ गार्डन इकोसिस्टम. क्वेश्चन नंबर 18 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन सा होगा? पॉन्ड, क्रॉप फील्ड, लेक या फॉरेस्ट. वेरी सिंपल, क्रॉप फील्ड विल बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 19 इज एक्सेसिव एक्सपोजर टू ह्यूमन टू यूवी रेज. यूवी रेज कौन सी होती है? अल्ट्रा वायलेट रेज. रिजल्ट इन डैमेज टू इम्यून सिस्टम, डैमेज टू लंग्स, स्किन कैंसर और पेप्टिक अल्सर. तो इनमें से आपको रिस्पॉन्स करना है. ए क्या हो सकता है? फर्स्ट एंड सेकेंड. आंसर विल बी सेकेंड एंड फोर्थ. फर्स्ट एंड थर्ड एंड थर्ड एंड फोर्थ. वॉट विल बी द आंसर? एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ ह्यूमन टू अल्ट्रा वायलेट रेज. फर्स्ट डैमेज टू इम्यून सिस्टम होगा एंड थर्ड स्किन कैंसर कॉज करती है अल्ट्रा वायलेट रेज. सो फर्स्ट एंड थर्ड विल बी द राइट आंसर. सो सी विल बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 20 इज इफ अ ग्रास हॉपर इज ईटन बाय अ फ्रॉग देन द एनर्जी ट्रांसफर विल बी फ्रॉम. गिव द आंसर. प्रोड्यूसर टू रिकम्पोजर, प्रोड्यूसर टू प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर टू सेकेंडरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर टू प्राइमरी कंज्यूमर. वॉट विल बी द आंसर हेयर? थर्ड वन विल बी द आंसर, प्राइमरी कंज्यूमर. ठीक है, ग्रास ऑपर जो है वो क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर है, नॉट प्रोड्यूसर. एंड देन प्राइमरी कंज्यूमर एंड हेयर फ्रॉग विल बी द सेकेंडरी कंज्यूमर. क्वेश्चन 21 इज हाउ मच एनर्जी कैन एब्जॉर्ब बाय ग्रीन प्लांट्स फ्रॉम सन. 2% एनर्जी, 5% एनर्जी, 1% एंड 10%. हाउ मच एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब बाय ग्रीन प्लांट्स फ्रॉम सन? वेरी इजी, थर्ड वन विल बी द राइट आंसर. 1% एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब बाय द ग्रीन प्लांट्स एंड एट नेक्स्ट टॉपिक लेवल 10% एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड अकॉर्डिंग टू 10% लॉ. क्वेश्चन नंबर 22 इज डेप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज ड्यू टू. तो ओजोन लेयर का डेप्लीशन कैसे होगा? बाय ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस और क्लोरो फ्लोरो कंपाउंड्स. वेरी इजी, फोर्थ वन विल बी द राइट आंसर, क्लोरो फ्लोरो कंपाउंड्स. क्वेश्चन नंबर 23 इज फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज. तो फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे होती है? दैट इज मल्टी डायरेक्शनल, यूनि डायरेक्शनल, बोथ कैन बी पॉसिबल या नन ऑफ द अबव. वॉट विल बी द राइट आंसर हेयर? सेकेंड विल बी द राइट आंसर, यूनि डायरेक्शनल. फ्लो ऑफ एनर्जी हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है, दैट इज यूनि डायरेक्शनल. क्वेश्चन नंबर 24 इज अ फूड चेन कंप्राइजिंग बर्ड्स, ग्रीन प्लांट्स, फिश एंड मैन. ठीक है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल एंटरिंग द फूड चेन विल बी मैक्सिमम. किस में होगा मैक्सिमम? यानी एक जो फूड चेन होती है उसमें जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं उनकी जो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है इन ईच एंड एवरी ट्रॉपिक लेवल, दैट प्रोसेस इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. और ये सबसे मैक्सिमम किस में होगी? यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स में, मैन, बर्ड्स और फिश. सो मैन विल बी द राइट आंसर हेयर. क्वेश्चन नंबर 25 इज वेरियस फूड चेन इन एन इकोसिस्टम आर इंटरकनेक्टेड. ठीक है, बहुत सारी फूड चेन जो है वो क्या होती है? आपस में इंटरकनेक्ट होती है एंड दिस इंटरकनेक्शन इज नोन एज फूड वेब. ठीक है, फूड वेब विल बी द राइट आंसर. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएनईपी? क्या फुल फॉर्म होगी यूएनईपी की? यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम. यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम. क्वेश्चन 27 इज हर्बीवोर्स आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द. कौन से ट्रॉपिक लेवल पे होंगे? पहले कौन सा होता है ट्रॉपिक लेवल? प्रोड्यूसर्स का होता है, देन हर्बीवोर्स होते हैं और उसको क्या बोलते हैं हम? सेकेंड ट्रॉपिक लेवल. क्या बोलेंगे? सेकेंड ट्रॉपिक लेवल. क्वेश्चन 28 इज टू मैन मेड इकोसिस्टम आर. तो मैन मेड इकोसिस्टम कौन से होते हैं बताइए? क्रॉप फील्ड होगा. ठीक है, अभी ऊपर किया था हमने, क्रॉप फील्ड होगा और दूसरा कौन सा हो सकता है? एक्वेरियम हो सकता है, गार्डन हो सकता है. ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 इज टू नेचुरल इकोसिस्टम आर. तो नेचुरल कौन से होते हैं? फॉरेस्ट हो सकता है, रिवर हो सकता है. ठीक है, रिवर एंड फॉरेस्ट विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 इज फ्लो ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस बाय विच लॉ. तो कौन से लॉ के अकॉर्डिंग फ्लो ऑफ एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल? दैट इज 10% लॉ. कौन सा लॉ होगा? एंड दिस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, 10% लॉ. नाउ नेक्स्ट इज असर्शन एंड रीजन. अगेन वेरी सिंपल, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस असर्शन एंड रीजन हैव बीन पुट फॉरवर्ड, रीड द स्टेटमेंट. आपको असर्शन जो है ना, एक स्टेटमेंट गिवन होगी, साथ में उसका रीजन गिवन होगा. अगर असर्शन और रीजन, स्टेटमेंट और रीजन दोनों करेक्ट हैं और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की, सो आंसर विल बी ए. अगर जो है दोनों करेक्ट हैं लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, देन आंसर विल बी बी. एंड सी इज इफ असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स, आंसर विल बी सी.
एंड असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, देन आंसर विल बी डी. तो आपको जो है अभी जो स्टेटमेंट हम देखेंगे उसके अकॉर्डिंग आंसर आपको ए बी सी डी जो है वो देने हैं. स्टेटमेंट गिवन है आपको, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी डिस्कार्डेड सेपरेटली. ठीक है, असर्शन जो है वो क्या है, ट्रू है आपका. रीजन क्या गिवन है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर नॉट हार्मफुल. देखिए असर्शन ट्रू है बट दिस रीजन इज नॉट ट्रू, रीजन इज फॉल्स. सो व्हाट विल बी द आंसर, सी विल बी द आंसर. अभी हमने पीछे देखा था असर्शन अगर ट्रू है रीजन फॉल्स है तो आंसर क्या होगा, सी होगा. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज वेजिटेरियन फूड हैबिट इज मोर बेनिफिशियल टू ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, रीजन क्या गिवन है, क्यों वेजिटेरियन फूड हैबिट बेनिफिशियल है ऑर्गेनिज्म के. ओनली 10% एनर्जी इज अवेलेबल एज फूड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट. यानी असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी उसका जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. कैसे, देखिए प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर से सबसे पहले एनर्जी जो ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी गेन करेंगे वो कौन करेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर. और प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, वेजिटेरियन है. ठीक है, यानी हर्बीवोर्स हैं. सो उनके अंदर जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा वो ज़्यादा होगा. ओके, सो both the assertion and reason are correct, so A will be the answer. Now question number 3 is assertion क्या है, accumulation of harmful chemical is maximum in case of organisms at higher tropic level. और इस process को क्या बोलते हैं, biological magnification. ठीक है, biological magnify का मतलब क्या होता है, increase होना. तो जैसे जैसे tropic level increase होता है जो harmful chemical, toxic chemicals हैं उनकी concentration increase हो जाती है, and this process is known as biological magnification. यानी assertion is right. रीजन क्या गिवन है, फूड चेन नॉर्मली डोंट गो बियॉन्ड 3 or 4 ट्रॉपिक लेवल. ठीक है, रीजन भी करेक्ट है, 3 or 4 ट्रॉपिक लेवल जो है मैक्सिमम नॉर्मली जो फूड चेन होती हैं वो इतनी ही होती हैं. सो रीजन भी हम करेक्ट कह सकते हैं, असर्शन भी करेक्ट है, लेकिन ये जो है इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसकी. सो बी विल बी द आंसर, असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओजोन लेयर इज गेटिंग डिप्लीटेड एट अपर एटमोसफेयर विच इज अ कॉज ऑफ कंसर्न. ठीक है, ओजोन लेयर वो डिप्लीट होती है एंड एट द अपर एटमोसफेयर, और जो कि बहुत ही एक चिंता का विषय भी है हमारे लिए. नेक्स्ट रीजन क्या गिवन है, सीएफसी रिएक्ट विद ओजोन. सीएफसीज क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिएक्ट विद ओजोन एंड ब्रेक इट. रीजन भी करेक्ट है और साथ साथ करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फॉर दिस स्टेटमेंट, सो ए विल बी द राइट आंसर. असर्शन गिवन है ऑटोट्रॉप्स कैन प्रोड्यूस फूड ऑन इट्स ओन. ठीक है, ऑटोट्रॉप जो है, ऑटोट्रॉप्स दे कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय इटसेल्फ. रीजन क्या गिवन है, दैट ग्रीन प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब 1% एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट फॉल ऑन द लीव्स. रीजन इज ऑल्सो करेक्ट हेयर बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि ऑटोट्रॉफ वो अपना फूड जो है वो खुद से प्रिपेयर करते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है. ठीक है, सो असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सो बी विल बी द राइट आंसर. सो ये थे आपके कंप्लीट क्वेश्चंस. उसके बाद जो आपको जो है यहाँ पर कंप्लीट आंसर्स गिवन है, आप यहां से दोबारा से आंसर देख के अपना स्कोर भी टैली कर सकते हो, साथ साथ यहां आप यहां से जो है आंसर देख के रिवीजन भी कर सकते हो. होप आपको सारे क्वेश्चंस जो है वो क्लियर हो गए होंगे. फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, साथ साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, लाइक शेयर करना ना भूलें. और अगर चैनल पर नए बच्चे हो तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जो कि चैप्टर रहेगा हमारा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन. वो चैप्टर हमारा भी बीच में रहता है, और फिर करेंगे हम लास्ट चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज.